सबसे पहले जो जहर जो घोला जा रहा है उसका काट करने की आवश्यकता है, क्यों नहीं है? आप बताइए मुझे, काट होगा इसका बताइए। यही काट होगा जिस तरह से कांवड़ यात्राएं जा रही हैं। हमारी अगर अजान से जिनको आवाज जाने पर जो है मतलब उनको जो है मतलब यह है कि परेशानी होती है, वो आवाज उठाते थे। हम ये कह रहे हैं कि हम जो उन कांवड़ यात्राओं का स्वागत कर रहे हैं और वहां पर जो स्पीकर लगाकर अगर आ रहे हैं तो उनसे हमें परेशानी नहीं हो रही, लेकिन दिक्कत वहां होती है जब वो भाईचारा निभाते तो कुछ उन नफरती लोगों को दिक्कत होती है। तो उन नफरती लोगों को तो हर धर्म, मैंने कब कहा कि एक ही धर्म में, मैंने कब कहा कि एक ही धर्म के लोग जो है मतलब इस भाईचारे को निभाएं? मैंने तो कहा हर एक भारतीय का, हर एक भारतीय की इंसानियत यही होनी चाहिए कि सबसे पहले जो है हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे को जो है मतलब बढ़ावा देना चाहिए भारत, भारत के अंदर। कर रहे हैं देखे, हिंदू मुस्लिम भाईचारा बढ़ा रहे हैं। मोदी जी ने कहा, मोदी जी ने तो नफरत बोने का बीज बोने का काम किया। आप सुनिए मोदी जी ने यह भी तो कहा था स्टेज से खड़े होके कि आप कपड़ों से पहचान सकते हैं। एक नफरत की सोच जो पैदा की वो मोदी जी ने की है, आप कैसे कह रहे हैं? तिरंगा यात्रा एसएससी जीडी के छात्र जो हैं वो उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहे थे। अभी आपने देखा कि एक इंस्पेक्टर उनसे क्या कहता है कि आप जो है मतलब तिरंगा यात्रा नहीं निकाल सकते, इस तरह से विरोध नहीं कर सकते। अरे देश के अंदर देश मतलब आज़ाद नहीं है क्या? आज भी भारत के लोग आज़ाद नहीं है क्या? आज भी गुलामी करेंगे? आजाद हो तभी तो आप बोल रहे हैं ना। देखिए कहाँ बोला जाता है, डिटेन कर लिया जाता है। आप चले जाइए, आप जो है अगर यहाँ पर जाएंगे जंतर मंतर पर, आप अगर जाएंगे पालिका केंद्र पे, वहाँ पे बोल नहीं सकते, आप नहीं बोल सकते। विरोध करने का ना, अच्छा नहीं, विरोध अच्छा करने का क्या है? अगर हम ये मतलब मुद्दे उठा रहे हैं, अगर हम कह रहे हैं कि रोजगार दो, अगर युवा एसएससी जीडी के वो मतलब टेस्ट फिजिकल भी और रिटेन भी अगर वो तीनों क्लियर कर चुके हैं, उनको अगर जो ज्वाइनिंग दो, अगर उनको ज्वाइनिंग दो, मंदिर मांग रहे हैं लोग रोजगार की, आप बात कर रहे हैं, मतलब मंदिर चाहिए सबको, थोड़े चाहिए सबको, भाईचारा चाहिए, रोजगार चाहिए, हिंदू मुस्लिम एकता चाहिए। देश के अंदर जो ये जीडीपी गिर रही है ये क्यों गिरती चली जा रही है? जो रुपया गिर रहा है ये क्यों गिरता चला जा रहा है? वही मोदी जी है ना, पूरी दुनिया में है ये। अरे सर 2014 से पहले वही प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो चीख चीख के जो कहते थे कि देश का रुपया जब पाकिस्तान का नहीं गिरता है, जब अफगानिस्तान का नहीं गिरता है, नेपाल का नहीं गिरता है, तो भारत का क्यों गिरता है? आज वो कौन सी कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं? क्यों नहीं उठ रहे? क्यों नहीं जाग रहे? आज क्यों जो है वो कानों में मतलब डांटे लगा के बैठे हैं, उनको आवाज नहीं जा रही, उनको पता नहीं चल रहा है। अच्छा सरकार को मैनिपुलेट किया जा रहा है, अच्छा वो सरकार की चाल हो गई, और हम अगर मुद्दे उठाएंगे तो हम उनका विरोध कर रहे हैं। हम मुद्दे नहीं उठा सकते, तो कोई काम हम बात अच्छा नहीं कर सकते। साल में एक आध काम की तारीफ करी आज बताइए कोई काम। अच्छा उन्होंने काम करा कि जो है अग्निवीर की जो योजना लिया है, यानी कि 4 साल तुम जो है 25 साल पढ़ाई करके आओ, उसकी तैयारी करो, और फिर 4 साल नौकरी करके उनके जो है मतलब उनके दफ्तरों में जो झाड़ू का काम करियो आप। ये अच्छा आप सुनिए, उन्होंने कहा 4 साल मतलब यह है कि 2 करोड़ पर यह रोजगार दिया जाएगा, तो 2 करोड़ पर यह रोजगार की बजाय रोजगार छीनने का काम किया, यह अच्छा काम किया। उन्होंने कहा सेवा का मौका दे रहे हैं कम से कम, देखिए तो 4 साल देश सेवा करिए। अच्छा 4 साल, उससे पहले सेना के लोग जो थे वो देश सेवा नहीं कर रहे थे? इनकी मतलब इनकी इतनी अगर औकात नहीं है जो लोगों को रोजगार दे सके या सेना को पेंशन दे सके, तो पहले सांसदों को पेंशन छोड़वाइए, विधायकों की छोड़वाइए। आप अगर ये कहते हैं कि भाई वो जो है हमारे बाद में आके 4 साल के बाद रिटायर होके कि वो हमारे जो है मतलब ऑफिसों में काम करेंगे, झाड़ू पोछा कर लेंगे, तो वो सांसद या मोदी जी या मोदी जी जो अग्निपथ का विरोध कर रहे हैं, पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं, उसको वापस ले सरकार। क्यों जो है लोगों का विरोध कर रहे हैं? मंदिर का क्यों विरोध करेंगे? मंदिर अगर कोई बनवा रहा है गाजियाबाद के अंदर ही कहीं भी बनवा रहा है, तो वो एक अच्छी पहल की है, और उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो नफरती लोग हैं, जो हिंदू मुसलमान से नफरत करते हैं। हम तो चाहते हैं अरे भाई हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम रहे, क्योंकि देश के अंदर जो भारत की संस्कृति है, जो सोने की चिड़िया इसको कहा जाता था, क्यों कहा जाता था? तिरंगा यात्रा में शामिल हो गए? अरे हम तो खुद तिरंगा लेकर चलते हैं, देश के अंदर प्रधानमंत्री तिरंगा उठाने देंगे? अरे जो लाल किले से तिरंगा फहराएंगे वो लाल किला बनाने वाला भी शाहजहां ही था, तो मैं ये कहता हूँ कि वहां से खड़े होकर प्रधानमंत्री जी मुस्लिम समाज से माफी मांगेंगे? पिछले जो 2 सालों में जो मुस्लिम समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है, जो नुपुर शर्मा जो उनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, उसने जो हमारे नबी की शान में, उनकी हमारे नबी की शान, अरे भैया
बीजेपी से ही थे ना, वो बीजेपी से ही लिंक निकला ना, धर्म के नाम पे ना, वो बीजेपी से लिंक निकला ना, तो वो लोगों का हम उनका समर्थन नहीं करते ना, हम उनका समर्थन कहाँ करते हैं। अरे हमारी अगर बाइट उठा के देखेंगे, हमने कहा है कि आप उनको जेल में डालिए, उनको पूरी तरह से जेल में डाला गया है उस सरकार ने। लगता प्यार होना चाहिए देश में, प्यार। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि देश के प्रधानमंत्री लाल किले से खड़े होकर मुस्लिम समाज से माफी मांगेंगे, भाईचारे को बढ़ावा देंगे, वो कहेंगे कि जो नुपुर शर्मा ने नबी की शान में गुस्ताखी की थी, हम नबी की जो है इज्जत करते हैं और ऐसे लोगों का हम बायकॉट करते हैं, वहां से खड़े होकर करेंगे। नबी साहब ने तो कभी नहीं कहा कि मेरे लिए माफी मांगो, उन्होंने तो कहा सबको माफ करते चले जाइए अगर कोई गलत करता भी है तो। आप ये देखिए, आप ये देखिए, ऐसी बातें नहीं, नबी साहब ने कहा कि माफी मांगिए, नबी साहब ने, देखिए बात सुनिए, आप सुनिए ना, आप अगर किसी के धर्म पर तो अगर आप किसी के धर्म पर उंगली उठाएंगे, आप अगर किसी के धर्म पर उंगली उठाएंगे और उठाते ही रहेंगे तो कब तक आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि क्यों आप इस तरह से कर रहे हैं। एक दो बार की बात थोड़ी है, आपने देखा जंतर मंतर के अंदर नारे लगते हैं कि मूल्य काटे जाएंगे, तो उस पर इन चीजों को चलाया जाता तब तो नहीं बोलते हैं। कैसे नहीं बोलते हम, नहीं कैसे नहीं बोलते हम, कब नहीं बोले संविधान के ऊपर, हम कब नहीं चलेगा, बिल्कुल पूरी तरह से हम भी तो यही कहना चाहते हैं, ये देश भारत जो है संविधान के ऊपर चलेगा, संविधान की आस्था। संविधान बड़ा, कुरान बड़ी है, संविधान बड़ा या कुरान? देखिए कभी संविधान से कुरान की तुलना नहीं की जा सकती, और कुरान जो है वो हमारे मजहब के लिए, और ये संविधान जो है हमारे भारत के लिए, और भारत जो है संविधान से चलेगा। हमारा जो कुरान है वो हमारा ईमान है, हमारा जो मतलब ये है कि हम अपनी आस्था रखते हैं उसमें, वो चीज अलग है, संविधान से चलेगा बिल्कुल पूरी तरह से। हम ये चाहते हैं कि संविधान से देश चलना चाहिए। लेकिन जिसे तमाम लोग कह रहे हैं कि एक कावड़ यात्रा जा रही थी और पास में ही जो है मस्जिद में अजान हो रही थी, और जैसे ही अजान की आवाज सुनी तो उन्होंने जो ढोल जो बज रहे थे, उनके जो जो गाने बज रहे थे, जो नारे उनके बज रहे थे, उन्होंने उसको बंद किया और कांवड़ यात्रा तक रोक दी। और तब तक ही नहीं रोकी जब तक अजान हुई, बल्कि उन्होंने तब तक रोकी जब तक कि 10-15 मिनट के अंदर नमाज मुकम्मल नहीं हो गई। जब मुकम्मल नमाज हुई उसके बाद में अनाउंस किया गया कि अब नमाज मुकम्मल हो चुकी है, अब हम अपनी जो है मतलब फिर दोबारा से जो है अपने यात्रा जो स्टार्ट करते हैं। तो ये भाईचारे का प्रतीक है, ये उन नफरती कीड़ों के लिए, उन नफरती लोगों के लिए एक मुंह पे तमाचा है। ये हमारे कावड़ भाइयों ने जो है मतलब इस तरह से बढ़ चढ़ कर पैगाम का जो है मतलब एक भाईचारे का प्रतीक जो बनाया है, इसी तरह से हमारे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं या हम जैसे लोग जो हैं वो जो है मतलब समय समय पर जो है, कल मैं बस से जो है मतलब आ रहा था तो वहाँ पर जो है कावड़ यात्रा वाले जा रहे थे, तो वहाँ पर जो है मैंने जो है मतलब उनका सहयोग किया, और उन्होंने भी ऐसा जो भाईचारा निभाया कि उन्होंने जो मतलब एक कोल्ड ड्रिंक मुझे दी। तो ये यही जो है एक भाईचारा है देश के अंदर, और इस भाईचारे को बढ़ाने के लिए जिस तरह से गाजियाबाद के अंदर पहल की गई है, अगर यही पहल देश के अंदर की जाए, यही पहल हर समाज करे कि दूसरे समाज के दूसरे धर्म के जो आस्था होती हैं उनका जो है सम्मान करे, उनके लिए जो है काम करे। तो विरोध किया जा रहा है, जहाँ जगह जगह जो नमाज पढ़ रहे हैं उनको रोका टोका जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है। सर देखिए ये देश के अंदर वही नफरती लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम एकता को बरकरार नहीं रखना चाहते, जो संविधान विरोधी हैं, जो हिंदू मुस्लिम विरोधी हैं, जो उनको देश विरोधी भी कहें तो कोई बात नहीं, वो देश के भी विरोधी हैं जब हिंदू मुस्लिम एकता के विरोधी हैं। आज जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, आप देखिए एक मिसाल वो मैं बताना चाहता हूँ, जो कहते हैं ना कि मुसलमान को जो है गद्दार कहते हैं, मुसलमान को कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, उन लोगों के लिए ये है। देखिए जो हिंदू मुस्लिम एकता या हिंदू मुस्लिम दोस्ती की मिसाल देने वाला भी अशफाक एक मुसलमान ही है। शिक्षा की स्वास्थ्य की भी बात की जा रही है, ऐसा नहीं है, हमने जो मुद्दा उठाया है रोजगार को लेकर भी उठाया है, शिक्षा को लेकर भी उठाया है, लेकिन देश के अंदर जो आज